तो हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, जरा नहीं जा रहा बिल्कुल भी, और यहाँ पे ना फिसल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ से पानी टपक रहा है बर्फ़ से नीचे। यहाँ पे बर्फ़ अभी गीली है। आप भी सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या देख रहा हूँ ऐसा कि जो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आपको देखना है, सीरियसली देखना है। तो चलो यार आपको भी दिखाते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ। सो फाइनली दोस्तों मैं जो देख रहा हूँ ना वो आपको दिखाता हूँ। ये देखो व्हाट अ सीनिक व्यू यार, बुग्याल बहुत ज़बरदस्त, और सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ देखो यार आप, कसम से सीरियसली। वो देखो हिमालय केदार घाटी है वो पूरी, और जस्ट हमारे ऊपर ना इधर की साइड चंद्रशिला है जहाँ को हम आज जा रहे हैं, और वहाँ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस भाई बर्फ। बाकी ना दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग भी करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ आपका दोस्त राइडर विकास भंडारी, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव वहाँ पाटा का रहने वाला, और पहुँच चुका हूँ भाई चोपता। तो चोपता में आज आपको घुमाते हैं भाई क्या क्या घूम सकते हैं हम, और आपको क्या क्या घुमा सकते हैं। तो चलो चले हैं, रेडी हो ना? तो चलो फिर। सो फाइनली दोस्तों यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रैक। और हमें अभी हमने यहाँ पे नीचे में पूछा था कि चंद्रशिला खुला है या नहीं, तो चंद्रशिला खुला है, वहाँ पे भी हम जा सकते हैं क्योंकि ना बर्फ़ पड़ी हुई है, तो उसके चक्कर में शायद इन्होंने बंद किया था एक दो दिन। अभी हम ना ऊपर जा रहे थे, और यहाँ पे ना आपको तुंगनाथ और चंद्रशिला जाते टाइम यहाँ पे आपको पर्ची कटानी पड़ती है। वैसे सर ये पर्ची क्यों कटानी पड़ती है? ये फॉरेस्ट एंट्री है सर यहाँ पे ना। अच्छा अच्छा, परमिट है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे लेना पड़ता है जी। अगर किसी को ऊपर मतलब फंस गए या वगैरह, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर करता था ना पूरा क्षेत्र। अच्छा, तो उसके लिए थोड़ी चार्जेस लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, बाकी ठीक है यार, चार्जेस इतना कोई बहुत बड़ा चार्जेस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल चार्जेस है। और अगर बाई चांस अगर आप ऊपर फंस गए तो भाई लेने भी तो यही जाएंगे। सो हम ऊपर आ चुके हैं, ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जहाँ हम जा रहे हैं ना, तुंगनाथ चंद्रशिला, तो बोला जाता है पंच केदार जो है ना, पंच केदार में से सबसे हाई एल्टीट्यूड में जो है वो है तुंगनाथ मंदिर, और वहीं पे अभी हम जा रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको ये पीछे की साइड देख लो, यहीं से बर्फ़ दिखना स्टार्ट हो गया है हमें। बाकी ना आपको ऊपर और ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलने वाली है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ देखने को मिलने वाला है। तो रेडी हो ना बर्फ़ देखने के लिए, जिस जिसको मज़े लेने हैं बर्फ़ के वो चलो भाई आ जाओ हमारे साथ। आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो ट्रैक है ना, ये होने वाला है हमारा कम से कम 3.5 किलोमीटर का, और समथिंग उससे मतलब ऊपर भी जा सकता है, 4 किलोमीटर मान लो, चलो 4 किलोमीटर का ट्रैक होने वाला है ऊपर चंद्रशिला तक। और अच्छी बात ये है कि चंद्रशिला ना खुला है, वहाँ जाने के लिए कोई रोक नहीं रहा है, जा सकते हो, बट थोड़ी सेफ्टी के साथ क्योंकि बर्फ़ ना बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ पे, और हम अभी बर्फ़ के ऊपर ही चल रहे हैं। ये देखो अच्छी बात ये है दोस्तों, धूप आ रही है, और धूप की वजह से ना हम चल पा रहे हैं, ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा। अगर धूप नहीं होती ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता, बहुत ही ज़्यादा। अब तो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी दिख रही है बस हमें, और कुछ नहीं दिख रहा, दूर दूर तक देख सकते हो आप।
जैसे जैसे ना ऊपर जा रहे हैं सांस फूलती जा रही है और सांस की प्रॉब्लम हो रही है, हैं तेज नहीं फूलने लगी ना, मेरे फूलने लगी। मत कर यार, ठंड लग रही कसम से। ओए ओ तेरी ऐसी घूमते ऐसी साले, ठंडा लग रहा। ओ माय गॉड, ओए तेरी ऐसी घूमते ऐसी। Enjoying in बर्फ, भाग जाए यहाँ से। अबे यार ये देख सकते हो दोस्तों कितने सारे लोग ऊपर आ रहे हैं, बूढ़े से लेकर जवान तक, बच्चे तक भी आ रहे हैं। हाँ हालांकि उनकी सांस फूल रही है बट वो हार नहीं मान रहे और ऊपर तक ही जाएंगे और चंद्रशिला तक। फिलहाल हमने भी करीब करीब 1 किलोमीटर कवर कर लिया, 1 से 1.5 किलोमीटर कवर कर लिया। अभी देखते अभी और कितना है। वाह नाइस, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो साइड बाय साइड ना दोस्तों देख सकते हो बैठने के लिए बना रखा है। थोड़ी सी आराम करो फिर चलो ऊपर की साइड, फिर आराम करो फिर जाओ। ऐसा कोई नहीं है कि जो जल्दी जल्दी जाना है, आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे बर्फ अभी गीली है। बर्फ गीली है यहाँ पे, लाठी का धार गिर रहे हैं यहाँ पे। चल ये पैर मारो भाई, चलो मैं करता हूँ बातें। बैग मुझे दो, देख लाठी साइड में रख अपने आप की। आकाश कुंड दोस्तों, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे है आपका आकाश कुंड, ये देख सकते हो। बट अभी यहाँ पे पानी नहीं है, ठीक है कोई नहीं, अभी अपने को जाना है ऊपर। पर रास्ता कहाँ यार, रास्ता यहाँ से पता नहीं चल रहा है, बहुत भारी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। यार गिर गया। आगे दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मंदिर में, यहाँ पे देख सकते हो टेंपल तुंगनाथ चंद्रशिला, यहाँ से भी 1 किलोमीटर ऊपर है। पर अभी जो तुंगनाथ के कपाट हैं वो हो रखे हैं बंद और तुंगनाथ की डोली अभी जा रखी है मुकुमट में। तो चलो यहाँ के दर्शन तो ऐसे नहीं करवा सकते, फिलहाल हम आगे चंद्रशिला में चलते हैं। फिलहाल मैं निकल रहा हूँ चंद्रशिला के लिए जो कि करीब करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी ना दोस्तों वो तो ठीक है, वहाँ जाना तो मैं चलने के लिए चल लूँगा, बट आप ना एक बार रास्ता देखो रास्ता कैसा है। गलती से अगर मेरा पैर फिसल के और मैं यहाँ गिर गया तो फिर भी भाई पता नहीं कहाँ मिलूँगा मैं, सीधा नीचे मिलूँगा और बचूँगा कि नहीं बचूँगा मुझे नहीं पता। तो दोस्तों तो वो नीचे में जो ना हमारे जो एंट्री चार्ज कटे थे वहाँ पे 75 रुपीज़ पर पर्सन का, वो इसलिए ही कटे थे अगर यहाँ पे कोई दब जाता है या फंस जाता है या फिर कोई वापस नहीं आ पाता है तो वो ढूंढने आते हैं कि वो बंदा गया कहाँ है, इसी चीज़ की एंट्री पर फीस पड़ती है। फिलहाल यहाँ से मेरे को बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे को बच के ऊपर जाना है, बच के नीचे आना है भाई सीरियसली। और ठंड इतनी ज़्यादा हो गई ना, ठंड बढ़ती जा रही है, जैसे ऊपर ऊपर जा रहे ना ठंड बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बर्फ़ जमी हुई है और यहाँ से पानी टपक रहा है बर्फ़ से नीचे। वाह मैं एक काम करता हूँ थोड़ी सी एक बर्फ़ खा लेता हूँ यहाँ मैं सी, इसको पानी है नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसको ऐसे चूसते इसको ऊपर जाऊंगा मैं। पर बहुत केयरफुली, माय गॉड ठंडी हवा चलने लग गई। पानी की बहुत कमी है यहाँ पे, ये नीचे खाई देख रहे हो आप दोस्तों। बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा धीरे ताकि कोई दिक्कत ना हो,
फाइनली ऊपर में, ओ माय गॉड, अपने को चोटी में जाना है। वो देखो लोग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ, अपने को भी वहीं जाना है। अब यहाँ पे कोई डर नहीं है, यहाँ से मैं आराम से चलता हूँ। बहुत खड़ चढ़ा ये, ओ माय गॉड, यहाँ पे बैठ बैठ के जाना होगा। सूरज, ओ सूरज, हाउ आर यू ब्रो? दोस्तों ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये देखो कितने ऊपर आ गया। हाँ अभी थोड़ी सी और ऊपर चलना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली दोस्तों सूरज, राइडर सूरज और राइडर विकास पहुंच चुके हैं चंद्रशिला में। और आपको बताना चाहूँगा, बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ महादेव के दर्शन करते हैं। हर हर, हर हर महादेव। बंद हो रखा ना अभी, हाँ पूरा। सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 4000 मीटर के एल्टीट्यूड में। फिसलते हुए जाना है भाई, ऐसे नहीं जाना। बस तो ये तो चला गया नीचे, फिसल के नीचे, मैं भी चलता हूँ फिर। तो हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और यहाँ पे ना फिसल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, वो बर्फ़ पड़ने लग गई, बर्फ़ पड़ रही है, वो बर्फ़ पड़ रही है, तेरे बोला हुआ सच हो गया। डिंगल लक्का लक्का, डिंगल लक्का लक्का, वो बर्फ़ पड़ रही। दोस्तों ये देख सकते हो, आपको दिख नहीं रही होगी, बहुत धीरे धीरे पड़ रही है। थोड़ी देर रुक जाते हैं, बर्फ के मजे लेते हैं। हाँ ठंडे हो गए यार बहुत ज्यादा। ये देखो यार बर्फ पड़ने लग गई यार दोस्तों, बर्फ। सुन ब्लॉगिंग बाद में करियो, नीचे मत देखियो, नीचे मत देखियो, आराम से आ यहाँ से, किनारे किनारे आ, किनारे किनारे आ, किनारे किनारे। भाई गलती से अगर एक बार गिर गया ना नीचे, भाई बचना मुश्किल है, आराम से आइयो। सो दोस्तों ये देख सकते हो आप, लाइव स्नोफॉल यहाँ पे बर्फ़ पड़ने लग गई है, देख सकते हो। नाइस, ओह माय गॉड, बर्फ़ पड़ गई रे, तेज हो रही है, धीरे धीरे करके और तेज हो रही है ये। माय तेज हो गया, थोड़ा तेज, अरे मुझे आ गया, थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से। माय गॉड, ओह माय गॉड, तेज बर्फ तेज होती जा रही है, तो बर्फ मजा आएगा आज तो। और विकास उसकी हालत तो थोड़ा खराब हो रही है, जल्दी जाना पड़ेगा नीचे। लाइव स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाथ मेरे जाम हो गए हैं पूरे। माय गॉड, लाइव स्नोफॉल, सीरियसली लाइव स्नोफॉल देखने को मिल रही है हमें। दोस्तों चंद्रशिला से हम नीचे आ गए थे अभी थोड़ी देर पहले, मतलब करीब करीब हमें एक घंटा हो गया होगा, फिर लंच किया और देन अब हम 3:30-4 बजे के लगभग हम निकल रहे हैं गोपेश्वर के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो अलाउ नहीं है टेंट लगाना चोपता में, तो इसलिए हमने सोचा अभी टाइम है तो हम निकल जाते हैं गोपेश्वर के लिए। बाकी दोस्तों देखते हैं कितने बजे तक गोपेश्वर पहुँचते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी पहुँचे। इधर ना भालू वगैरह का भी बहुत ज़्यादा डर है,
गुप्तेश्वर वाली रोड पे। चलो देखते हैं, भगवान करे सेफ और जल्दी पहुंच जाए हम।